ओके, तो अब हम नेक्स्ट डेमो की तरफ बढ़ते हैं और इस डेमो के अंदर हम करेंगे कि अपडेट रिकॉर्ड्स यूजिंग पीडीओ। तो लेट्स से करना क्या है कि ये जो मेरी टेबल है इसी के अंदर हम कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। जैसे ये जो यश है मेरे को कंप्लीट नेम यहाँ पे लिखना है शर्मा, तो ये अपडेशन होती है कि अपडेशन अब आप किस तरीके से करोगे। सो लेट्स चेक दिस। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि सेम इसी प्रोजेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू PHP फाइल, और अब आप इसको नाम दे देना अपडेट रिकॉर्ड्स pdo.php, अपडेट रिकॉर्ड्स pdo.php। ओके, तो यहाँ तक सेम स्टेप रहेगा। तो वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इंक्लूड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस db.config.php एंड नाउ मेक अ यूज ऑफ अ ट्राई। तो जो भी आप लोग कोड लिखोगे वो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। मेक अ यूज ऑफ अ कैच pdo एक्सेप्शन डॉलर ई, और जो भी आपका एक्सेप्शन होगा ये यहाँ पर कैच कर लेगा। एको डॉलर ई गेट मैसेज, इतना तो आप लिख ही देना स्टार्टिंग। इसके बाद ये भी स्टेप आप लिख सकते हो कि अब आप अपने कनेक्शन का एट्रीब्यूट मोड सेट कर सकते हो। सेट एट्रीब्यूट मोड, पहला मोड आपको सेट करना पड़ेगा एट्रीब्यूट एरर, और दूसरा अब आप सेट कर देना एक्सेप्शन, ताकि अब आपका कोई भी एक्सेप्शन आए वो भी हैंडल हो जाए और जो भी एरर है वो रिपोर्ट हो जाए। एरर मोड एक्सेप्शन, तो इतना काम तो आपको स्टार्टिंग में करना ही चाहिए। आप ट्राई कैच इंक्लूड करा दो, इसके बाद अब आप अपने कनेक्शन का एट्रीब्यूट मोड सेट कर दो। क्या क्या मोड आपको सेट करना है? एट्रीब्यूट एरर मोड, और एक और आपको जो सेट करना है वो करना है एरर मोड अंडरस्कोर एक्सेप्शन, एंड टर्मिनेट दिस विद अ सेमी कॉलन। ओके, टर्मिनेट जरूर करा देना आप सेमी कॉलन के साथ। अब जैसे अब आपकी कनेक्शन के अंदर आपका ये एट्रीब्यूट वगैरह मोड सेट हो जाए, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपडेट योर क्वेरी। और इन सिंपल टर्म इफ आई टेल यू, हियर यू कैन एग्जीक्यूट योर क्वेरी। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर क्वेरी। अपडेट की क्वेरी क्या होती है, पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी, और यहाँ पर ये मैंने अपडेट की क्वेरी डाली कि अपडेट किसको अपडेट करना है। अब आपको यहाँ पर आएगा आपका टेबल का नेम, तो मेरी जो टेबल का नाम है वो है रजिस्टर। फिर मैंने बोला कि सेट, क्या सेट करना है मेरे को, ये जो ना नेम सेट करना है एज अ यश शर्मा। तो ये नेम किस वाले फील्ड के अंदर है, इस नेम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेट नेम इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पर भी वही वाली अप्रोच है आपकी, सिंगल कोट्स डबल कोट्स वाली। तो अब आप यहाँ पर एक बार लिख सकते हो कि वेयर नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स के अंदर आप नेम लिख देना यश शर्मा, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर आप यूज कर लेना वेयर क्लॉज का, वेयर आई डी इज इक्वल टू, एंड लेट मी जस्ट क्रॉस चेक माई आई डी, माई आई डी इज 1। तो दिस इज गोइंग टू बी माई क्वेरी, और ये जो क्वेरी है ये किस चीज की होती है, आपकी अपडेशन की। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपडेट योर टेबल रजिस्टर। आप लोगों ने नेम सेट कर दिया दिस वन, वेयर आई डी इज इक्वल टू 1। जैसे ही अब आप अपनी क्वेरी लिख देते हो, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। इस क्वेरी को अब हम करा देते हैं एग्जीक्यूट। यू नीड टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी, तो यहां पर हम कनेक्शन के अंदर क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देते हैं, कॉन क्वेरी, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय क्वेरी। तो वी आर गोइंग टू, ओके, और इसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप कनेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करा लेते हो, आप इसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। ओके, ठीक है, और यहाँ पर अब आप इस रिजल्ट का किस तरीके से यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यूज किया एको डॉलर, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ रिजल्ट। अब देखो इस रिजल्ट के अंदर आप एक और मेथड का भी यूज कर सकते हो, और वो होता है आपका रो काउंट। ये आपको दिखा देगा कि कितने नंबर ऑफ रोज आपकी अफेक्टेड हुई है, एक रो ही है कि दो रो ही है। तो यहाँ पर अब आप एक बार यूज कर लेना रो काउंट का, और इसके बाद अब आप कंकैटिनेशन कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप एक स्टेटमेंट लिख देना रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस एको, और इसके बाद जैसे अब आपका ये काम हो जाता है,
इस कैच के बाद अब आप अपने कनेक्शन को कर देना नल, डॉलर कॉल इज इक्वल टू नल, इतना जरूर अब आप कर देना। तो बहुत आसान है, आप लोगों ने अपनी क्वेरी लिखी, क्वेरी फिर आपने अपनी एग्जीक्यूट कराई, उसके बाद आपने एक एको स्टेटमेंट लिख दी कि रिजल्ट रो काउंट। नाउ व्हाट दिस रो काउंट विल डू, इट गोइंग टू रिटर्न यू द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, कि कितने नंबर ऑफ रोज आपकी अफेक्टेड हुई है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि वन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रॉस चेक दिस अपडेट रिकॉर्ड्स पीडीओ डॉट पीएचपी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस अपडेट रिकॉर्ड्स डॉट पीएचपी, और यहाँ पे क्या लिखा है, वन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हो रिट्रीव रिकॉर्ड्स पीडीओ डॉट पीएचपी से। अब आप देख सकते हो कि पहले नेम था यश, अब यहाँ पर नेम हो चुका है यश शर्मा। सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स यूजिंग पीडीओ। ठीक है, तो बस आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाओ, क्वेरी एग्जीक्यूट करो, क्वेरी को फायर अप कराओ, और ये रो काउंट क्या करेगा दिखा देगा कि वन रो रिटर्न, टू रोज रिटर्न, ये सब आपको वैल्यू दिखा देगा। और फिर फाइनली आप अपने कनेक्शन को करा देना नल। रो काउंट और नंबर काउंट जो मैं